स्वराज से बढ़कर क्या। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन सर की मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जो कि रिलीज होने वाली है 10 जनवरी को। बताया दोस्तों आपको कि एक बायोग्राफिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के कई सारे बड़े स्टार्स अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल और कई सारे स्टार्स नजर आने वाले हैं। दोस्तों, ये फिल्म 17वीं शताब्दी के वीर योद्धा तानाजी मालुसरे के ऊपर बनाई जा रही फिल्म है, जिसे कि डायरेक्ट करने वाले हैं ओम राउत। बताया दोस्तों आपको कि काफी बड़े बजट पर बनाई जा रही ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 जनवरी के दिन 3D में रिलीज होने वाली है, जो कि अजय देवगन सर के कैरियर की 100वीं फिल्म होगी। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म भी साबित होने वाली है। अभी तक दोस्तों इस फिल्म के कई सारे पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें अजय देवगन, सैफ अली खान और बाकी एक्टर्स के फर्स्ट लुक रिवील किए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के टीजर भी अभी तक 3 से 4 आ चुके हैं। दोस्तों, इन सभी पोस्टर्स और टीजर को देखने के बाद एक चीज सामने आई है कि यह फिल्म अजय देवगन सर के कैरियर की और 2020 की हाइस्ट ग्रोसर फिल्म बनने का दम रखती है। दोस्तों, इस फिल्म की एक टैगलाइन है, स्वराज से बढ़कर क्या, यानी कि दोस्तों ये फिल्म मराठा और मुगल्स के ऊपर बनाई गई फिल्म है, जो कि मराठा एम्पायर और मुगलों के बीच हुए युद्ध को दिखाती है। दोस्तों, बता दें आपको कि लगभग 170 करोड़ के बजट से बनने वाली अजय देवगन प्रोडक्शन की यह सबसे बड़ी फिल्म है और इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज करने का टारगेट रखा गया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का एक शानदार ट्रेलर 19 नवंबर के दिन रिलीज किया जाना है, जिसे कि आप सीरीज के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं। बात की जाए अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन के बारे में, तो दोस्तों अभी तक इस फिल्म के जितने भी पोस्टर आए हैं, उसे देखने के बाद दोस्तों एक चीज साफ जाहिर हो चुकी है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ 30 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेने वाली है। वही दोस्तों इस फिल्म का क्लैश भी होने वाला है दीपिका पादुकोण की फिल्म चपाक के साथ। उसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई करेगी और सुपरहिट साबित हो सकती है। वही दोस्तों अगर इस फिल्म को रिव्यूज अच्छे आते हैं, तो ये फिल्म अजय देवगन सर के कैरियर की पहली 250 से 300 करोड़ फिल्म भी बन सकती है और हो सकता है दोस्तों कि 2019 के हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म भी बन जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या तानाजी फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर पाएगी या नहीं? आप में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप भी अजय देवगन और सैफ अली खान के डायहार्ड फैंस हैं, तो हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।